इस वीडियो में हम चैप्टर एट बाइनोमियल थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे चैप्टर एट हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम इसका सेकंड पोर्शन है ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसकी रिलेटेड बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड यूट्यूब और हमें यूट्यूब पर भी वीडियोज अपलोडेड है पर वो बहुत लेंथी ड्यूरेशन की है जिससे वीडियो बोरिंग हो जाती है बीस से तीस मिनट की वीडियो है और ये कॉन्सेप्ट इतना लेंथी और मुश्किल नहीं है जितना इस पर टाइम लगे मैं कोशिश करूँगा ईजी वे में आपको पाँच से छः मिनट की वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट आसान तरीके से क्लियर हो जाए इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट कोई भी एक्सप्रेशन है कोई भी इस फार्मूला है ए प्लस बी इसको हमने एक्सपेंड करना है मतलब कि इसकी एक बड़ी सी इक्वेशन बनानी है तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कर, अप्लाई करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए अब इसकी स्टेटमेंट को आपको समझने के लिए मैं इधर आपको बता देता हूँ तरह हमारे पास ये है ए प्लस बी इनकी पावर एन है इसकी पावर एन है अब इसको हमने एक्सपेंड करना है बायनोमियल थ्योरम के यूज़ करके इसे प्रीवियस वीडियो में जिस तरह हमने फैक्टोरियल परमोटेशन कम्बिनेशन का यूज़ किया था बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास कम्बिनीशन यूज़ होता है कम्बिनेशन मतलब एन सी जीरो अब इसका फार्मूला बहुत आसान है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो आपने कम्बिनीशन यूज़ करना है जब भी बाइनोमियल थ्योरम का नाम आए मतलब कम्बिनेशन एन सी ज़ीरो उसके बाद पहला ये पहला फैक्टर है ये दूसरा फैक्टर ये सेकंड वैल्यू है अब इसमें हमने क्या करना होता है सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू लेनी है और इन दोनों को माइनस कर देना है फिर सेकेंड वैल्यू में ये लिखना है क्या मतलब कि सबसे पहले आपने ए लिखना है इन दोनों को माइनस कर देना है एन माइनस ज़ीरो उसके बाद B B में ये वाली वैल्यू आएगी इसी तरह आपने चलते जाना है प्लस एन सी ज़ीरो स्टार्ट करना है एन सी ज़ीरो से फिर एन सी वन एन सी टू जहाँ पर एन है तो एन तक लेके जाना है अगर इधर टू है तो एन सी टू तक उसके बाद ए लिखना है ए का मतलब फर्स्ट फैक्टर इन दोनों को माइनस कर देना है इधर क्या है एन माइनस वन और बी वन उसके बाद एन सी टू उसके बाद एन माइनस टू बी टू इस तरह चलते जाना है तो आपका ये फार्मूला बन जाता है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये एक्सप्रेशन आपको पेपर में गिवन होता है आपने इसको इस तरह एक्सपेंड करना है कम्बिनेशन यूज़ करना है कम्बिनेशन का मतलब एन सी ज़ीरो उसमें सबसे पहले एन सी ज़ीरो से स्टार्ट करके पहले पहला फैक्टर ए उसके बाद बी फैक्टर लिखना है और ए के ऊपर पावर में किस तरह लिखना है एन माइनस ज़ीरो इसकी एन और जीरो को माइनस करके इसकी पावर में लिख देना उसमें बी में ये आएगा ये आपने याद रखना है जो भी कम्बिनेशन है एन सी जीरो जो पहला फैक्टर है उसको इन दोनों को माइनस करके लिखना है इसके ऊपर और दूसरा बी वाला इसका जो नीचे वाली टर्म है वो इसकी पावर में आती है अब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी पाइनोमिकल थ्योरम की क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो हमारे पास एन है एन हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज़ होगा ये बाइनोमियल थ्योरम कब यूज़ होगा ये इंपॉर्टेंट एम की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओनली यूज़ व्हेन एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तब यूज़ होगा ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट दो एम सी हैं कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है जिस तरह ए की जगह टू आ गया बी की जगह वाई टू एक्स की पावर फोर है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बनेगी नंबर ऑफ़ टर्म्स का मतलब जब बाइनोमियल थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कितनी टर्म्स बनेगी जिस तरह ये एक दो तीन इस तरह ये टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी एक ज़्यादा बनेगी जितना पावर में वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स बनेगी पावर फोर है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फ़ाइव इसी तरह अगर इधर आप देखें हमारे पास सौ एटीन एक्स प्लस फाइव वाई की पावर सिक्स तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बनेगी हमारे पास सेवन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक पावर से ज़्यादा बनेंगी ये आप एम सी के लिए याद रखेंगे पॉइंट दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर हमारे पास सेवन है तो हमारे पास फार्मूला क्या है सिक्स यही वाली जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताई अगर पावर सिक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स सेवन बनेंगी अब ये इसकी एग्जाम्पल है हमारे जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह ये एग्ज़ैम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिया ताकि आप इसके रिलेटेड बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड सारे क्वेश्चन ईजीली सोल्व कर सकें हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है टू ए प्लस बी होल ब्रैकेट फाइव इसको हमने एक्सपेंड करना है बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया ये ए के इक्वल है उसके बाद अपलाइंग बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया सबसे पहले तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको वो रिलेशन याद आ जाना चाहिए जो मैंने अभी स्टेटमेंट का आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा कम्बिनेशन यूज़ होती है कम्बिनेशन मतलब एन सी ज़ीरो ए एन माइनस ज़ीरो बी ज़ीरो बस ये आपको याद होना चाहिए कि आगे चलता जाता है अब ये अब इधर भी यही लगाया है एन सी ज़ीरो सबसे पहले एन हमारे पास ये होता है यहाँ पे फाइव है ये एन है फाइव सी ज़ीरो यहाँ पे एन की जगह फाइव लिख दिया फ़ाइव सी ज़ीरो उसके बाद पहली टर्म क्या है टू ए तो टू ए फ़ाइव माइनस ज़ीरो टू ए फाइव माइनस ज़ीरो उसके बाद क्या है सेकेंड टर्म बी बी की पावर आती है ये वाली पावर ज़ीरो उसके बाद प्लस सी फाइव सी वन उसके बाद पहली टर्म टू ए फाइव माइनस वन और बी की पावर वन तीसरी टर्म फाइव सी टू फर्स्ट टर्म टू ए फाइव माइनस टू अगर आपको इधर नहीं समझ आ रही है सॉल्व हुआ हुआ है एग्जाम्पल तो मैं इधर आपको बता देता हूँ जिस तरह ये था टू ए प्लस बी इधर लिखे टू ए प्लस बी होल पावर फाइव अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से किस तरह करेंगे वही स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए एन सी ज़ीरो ए एन माइनस ज़ीरो एन माइनस ज़ीरो बी ज़ीरो इस तरह चलते जाएगा अब इधर सेकंड स्टेप में आप एन की पुट कर लें इधर इधर क्या है एन की जगह फाइव सी ज़ीरो ए क्या है टू इधर टू ए ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करके ऊपर लिखना फ़ाइव माइनस ज़ीरो और बी की जगह ज़ीरो उसके बाद फाइव सी वन टू ए फाइव माइनस वन और बी की जगह वन फिर फाइव सी टू टू एव माइनस टू बी की पावर टू इस तरह चलते जाएंगे ये कब तक लेके जाएंगे फाइव सी फाइव तक जब तक आ जाए फाइव सी फाइव टू एाइव माइनस फाइव और बी की पावर फाइव इस तरह हमने अप्लाई करते जाना है जिस तरह आप ये देख सकते हैं इसको एक्सपेंड करके फ़ाइव सी जीरो फ़ाइव सी वन फाइव सी टू थ्री फोर फाइव सी फाइव तक इस तरह आपने इसको कंप्लीट लिखना है ए की वैल्यू पुट करते जाना है ए की वैल्यू इधर ये सेकेंड टर्म की वैल्यू जिस तरह मैंने आपको बताया है रिलेशन में इसमें वैल्यू पुट करते जाना है और आप ये जो वैल्यू है सी की कम्बिनीशन की यह आपने ख़ुद नहीं कैलकुलेटर पर सॉल्व करनी है कैलकुलेटर पर कैसे कैलकुलेटर पर जो हमारे पास ये डी की डिवाइड का जो सिंबल है डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ है सी आपने किस तरह लिखना है शिफ्ट डिवाइड तो ये आपके पास कम्बिनेशन आ गया कम्बिनेशन से पहले हमने क्या फाइंड करना है फाइव सी ज़ीरो तो यहाँ पे फ़ाइव लिखेंगे C के बाद ज़ीरो फाइव सी ज़ीरो अब इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आया वन तो यहाँ पे वन लिख लेंगे इसकी जगह इसी तरह आपने फ़ाइव सी वन लिख लेना इधर वन आ जाएगा कैलकुलेटर में फ़ाइव सी टू की जगह इधर फाइव सी टू की जगह टू लिख लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी है ये वाली ये वाली इस तरह सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड करके इसकी पावर को सोल्व करेंगे इस तरह आप देख सकते हैं इसकी मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन तो एंड में आपके पास जो एक्सपेंडेड रिजल्ट है वो ये आ जाएगा इस तरह बाइनोमियल थ्योरम से कोई भी एक्सप्रेशन को हम यूज़ करके बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं